भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु ने तुरंत ही स्वप्न में दिखाई दिए, कहा राजन दो बंदी गए थे जो तुम्हारी जेल में है, उन्हें तुरंत ही छोड़ देना। जो तुमने का धन ग्रहण कर लिया है उससे दुगना देकर विदा कर देना, नहीं तो मैं तुम्हारा धन पुत्रादि राज्य सभी नष्ट कर दूंगा। अब प्रातः काल होते ही राजा को वह स्वप्न सताने लगा, चिंता सताने लगी। तो तुरंत ही सभा की सभा में बैठकर अपना वह स्वप्न सुना, दोनों वाणी पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलवा लिया। दोनों अति राजा को नमस्कार किया। पहली बातों का राजा ने भय करते हुए दोनों ने कुछ नहीं कहा, कांपने लगे। राजा बोले दो से देखो तुम्हें जो अब तक कठिन दुख प्राप्त हुआ है वो सब कुछ ठीक है, भगवान की इच्छा से, परंतु अब कुछ भय नहीं है। मेरी ऐसी इच्छा है, उनकी बेड़ियां निकलवाई, अजामत आदि बनवा कर जितना धन था दुगना देकर विदा कर दिया। दोनों वैसे अपने घर को चल दिए।